हम समझाता आइए। तो बात दरअसल ऐसा, बीजेपी अपने ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट करता है जिसमें लिखा, कभी सोचा था 220 करोड़ लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन? कोई सेंस है इस बात की? नहीं। मतलब हद है यार, बीजेपी ने अभी इतना विकास कर लिया कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया, वो भी मुफ्त वैक्सीन। ये कौन सा वैक्सीन आ गया भाई? मुझे नहीं मालूम। हर जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया तो बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और दूसरा पोस्ट एडिट करके डाला। बड़ा हरामी हो बेटा। एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि मोदी सरकार ने 220 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाया, लेकिन साहब जरा ये भी तो बता दो कि कोरोना में लोग बिना दवा बिना ऑक्सीजन के मारे गए, उनका कोई डाटा तो किसी ने जारी किया नहीं? तो फिर ये वैक्सीन लगाने का 220 करोड़ भारतीयों का डाटा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से ज्ञात किया गया है? बात तो सही है। अच्छा हाँ, बीजेपी जिस वैक्सीन को लोगों को मुफ्त में लगाकर इतना खुश है, उस वैक्सीन से कई लोगों की जान भी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार क्यों नहीं लेती है? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो इसी पे मेहुल मारू नामक यूजर लिखते हैं, बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को क्या हो गया है? कई मोदी जी को जुआरी बताया है, कई देश की आबादी को 220 करोड़ बता रहे हैं। बीजेपी की एक धड़े की यह साजिश जैसा लग रहा है, जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। देश संकट में है। एक और यूजर लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी के 600 करोड़ वोटर के भाषण के अपार सफलता के बाद अब बीजेपी ने दावा किया है कि देश के 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। फेंकने की भी हद होती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा, कोरोना वायरस के वैक्सीन पर जरा बाबा रामदेव के भी तो तर्क सुन लीजिए। लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपा टप वरमाला पहनाई और उधर। वैसे बीजेपी द्वारा किए गए ट्वीट व बाबा रामदेव के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें।